कंगना कलेश करवा करवाने की। नमस्कार, आपके साथ मैं आयुषी और आप देख रहे हैं राजस्थान का सबसे तेजी से आगे बढ़ता हुआ डिजिटल चैनल द खटक। आखिर क्या वजह है कि ये कहा जा रहा है, और ये हम नहीं कह रहे हैं बल्कि कई बीजेपी के नेता कह रहे हैं और खुद पार्टी के कार्यकर्ता कह रहे हैं। वजह यह है कि कंगना रनौत अक्सर अपने बयानों को लेकर के सुर्खियों में रहती है। कभी वो बयान देती है, फिर उस पर माफ़ी मांगती है और एक बड़ा यूटर्न लेते हुए सामने आती है। कई बार उनके बयान पार्टी के लिए मुसीबत बन जाते हैं, विपक्षी पार्टियां बीजेपी को घेरने लगती है। पर वही अब जो कंगना रनौत है, जो कई बार अपने बयानों में जिक्र करती आई है कि बीजेपी का स्टैंड ही उनका स्टैंड है, जो पार्टी ने कहा वही उन्होंने कहा, वो अब अपनी ही सरकार के खिलाफ मैदान में उतर चुकी है। वजह है बिजली महादेव मंदिर पर बनने वाला रोपवे। सबसे पहले आपको जानकारी दे दें कि ये महादेव का मंदिर क्यों खास है। तो आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में जहाँ कई खूबसूरत जगह हैं, वहीं पर ये महादेव जी का मंदिर है। और इसकी ऐसी अद्भुत चमत्कारिता है कि कहा जाता है कि यहाँ 12 साल में एक बार बिजली गिरती है और शिवलिंग जो है पूरा तरीके से चकनाचूर हो जाता है। फिर वहाँ के मंदिर के जो पंडित हैं उस शिवलिंग को एक विशेष पेस्ट के माध्यम से दोबारा जोड़ते हैं और शिवलिंग यथास्थिति में पहुँच जाता है और बिल्कुल पुराने जैसा एकदम जुड़ जाता है। और यही वजह काफ़ी सारे लोगों की यहाँ से जुड़ी मान्यता है, एक अपनी आस्था है। और कंगना रनौत के साथ वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो अब वहाँ पर बनने वाले रोपवे का विरोध कर रहे हैं। विरोध का कारण बताया जा रहा है कि जो देवता है वो इससे खुश नहीं है, वहाँ के लोग भी इस रोपवे के निर्माण कार्य से खुश नहीं है। हालांकि सरकार का दावा है कि अगर रोपवे बनता है तो उससे वहाँ पर पर्यटन बढ़ेगा, लोग वहाँ पर ज़्यादा संख्या में पहुँचेंगे और एक आमदनी का जो स्रोत है वो बड़ा होगा। पर वहाँ के आम लोगों का कहना है कि वो इससे खुश नहीं है, इससे उनके देवता नाराज़ हो जाएंगे। और कंगना रनौत ने इसको लेकर क्या कहा है, ज़रा आप वो भी सुनिए। तो उन्होंने कहा है कि इस प्रोजेक्ट को लेकर मेरी नितिन गडकरी जी से मुलाकात हुई और मैंने उन्हें इस मामले से अवगत कराया। वो बोली कि अगर देवता नहीं चाहते तो इस प्रोजेक्ट को बंद कर देना चाहिए। एक बार फिर नितिन गडकरी से मिलूंगी। हम लोगों के लिए देवता का आदेश आधुनिकीकरण से कई बढ़कर है। तो जो ग्रामीण हैं वो क्यों विरोध कर रहे हैं वो जानिए। रोपवे को लेकर खराहल और कशाबरी घाटी के लोग विरोध कर रहे हैं। ग्रामीणों ने कहा कि रोपवे बनाए जाने से देवता खुश नहीं हैं और इसके बनने से उनके रोज़गार भी काफ़ी हद तक प्रभावित होंगे। ग्रामीणों ने रोपवे बनाए जाने से पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचने की बात कही है। ग्रामीणों का कहना है कि रोपवे बनाए जाने के लिए कई पेड़ों की कटाई की जाएगी। तो अलग अलग तर्क है, अलग अलग बयान है। अब देखना ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि कंगना इस बार भी यू टर्न लेती है या फिर अपनी बात पर स्टैंड करती है।